आपने सुल्तान राई साहब के साथ बहुत काम किया, उनके बारे में कोई चीज़ जो आपकी कोई यादगार या उनकी पर्सनालिटी की कोई क्या ऐसी चीज़ थी कि उन्होंने अपने ज़माने में ऐसा राज किया और आज भी उनका जो एक मकाम है और वो लोगों के दिलों में रहते हैं। मैंने सुनने में आया कि वो 5 वक्त के नमाजी थे और असल ज़िंदगी में अपने जो कैरेक्टर जिस तरह वो प्ले करते थे एग्रेसिव और वो सारा, उससे बड़े मुख्तलिफ और नरम इंसान थे। जी जी बिल्कुल, देखिए वो तो एक रिलीजियस की एक अलग लाइन है, वो तो फ़र्ज़ है हर मुसलमान पे नमाज। और लेकिन बात ये है कि राही साहब बसाते ख़ुद एक बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छे दिल का मालिक था। उस कई फिल्में आप, मैं आपको बताऊं, अली जफर उन्होंने ऐसे कहा कोई एडवांस लिए बगैर सब, उन्होंने कहा आप फिल्म शुरू करें और उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं लिया और ऐसे काम कर। जब फिल्म हिट हुई तो वो उन्होंने ख़ुद ही ला के रईस साहब के आगे रखे। रईस साहब इस तरह के महान इंसान थे और एक अच्छे आदमी थे और उनका दिल भी बहुत अच्छा था, अपने जूनियर्स को बहुत इज्जत दी। अच्छा कोई उनके साथ मिससेब कर ले, कोई जेलिसी में आके कोई गलत बात भी कर ली तो उनके मुंह में एक ही लफ्ज़ होता था, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अल्लाह वाले आदमी थे, तभी अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया उनको। जवाल आया ही नहीं। चंद ऐसे आर्टिस्ट हमारे इंडस्ट्री में आए कि जिनको जवाल नहीं। और मैं आपको बताऊँ, मेरा बिलीव है इस चीज़ पर, जवाल नहीं होता, इंसान के अपने अख्तियार में होता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है, उनका बिहेव कैसा है लोगों के साथ, आवाम के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली अगर सही नहीं है तो जवाल आ जाता है, अगर सही है तो जवाल कभी नहीं। कई ऐसे फनकार आर्टिस्ट गुजरे जिनको जवाल नहीं आता, इंसान के अपने तरीक़ाकार से होता है। तो मेरा तो बिलीव है अल्लाह की ज़ात पे एक तकवा है, तवक्कल है, ईमान है कि ये चीज़ें जो होती हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ों को इंसान ले कर चलता है ना तो वो अच्छा अच्छा ही होता है। बिल्कुल।